हेलो पीपल, दिस इज़ चैनल CATV और इस वीडियो के थ्रू हम स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्टर की सीरीज़ का रिवीजन। इस रिवीजन में जो है हम रिवीजन के साथ साथ हम सेक्शन को रिवाइज़ करेंगे और सेक्शन की रिवाइज़ करने के साथ साथ हम जो है उसके क्वेश्चन एंड आंसर भी साथ में सॉल्व करेंगे। इसके थ्रू क्या होगा, हमें डायरेक्टर की बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और हमारे क्वेश्चन भी ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। अब सिंस डायरेक्टर जो पर्टिकुलर चैप्टर है, ये चैप्टर में से क्वेश्चन वैसे भी डीप में ही आते हैं, तो यूजुअली तो हम उसको रिवाइज ही करेंगे, बट कभी कभी कोई सी सिचुएशन आए जब जहाँ पर हमें थोड़ा सा इन डेप्थ जाना पड़े तो हम वहाँ पर भी तब चले जाएंगे, क्योंकि उस पर्टिकुलर सेक्शन से हो सकता है कि क्वेश्चन भी आ गए हो। अब इधर जो है बुक, वो मेन बुक से पढ़ा जाएगा, बट सिंस मेन बुक में कॉन्टेंट ही ज़्यादा रहता है तो इसके लिए पर्टिकुलर रिवाइज करने के नोट्स बना के रखे हैं, ताकि हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ें जो पॉइंट्स एक बार हमको गो थ्रू करने हैं और जो पॉइंट्स हमें एक बार रीलुक करने हैं। एट द एंड मेन एम क्या होना चाहिए हमारा, कि हमारे क्वेश्चन सारे बन जाए, एंड सिंस उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रॉपर जो है पर्टिकुलर रिविजन्स की सीरीज होगी। एंड चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सिंस अगर देखा जाए तो अगर मेन बुक है तो मेन बुक में बहुत सारे कंटेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस तो है ही, पर कंटेंट अच्छा खासा है, बट हम इसके थ्रू ही रिवाइज करेंगे। इसके प्रॉपर रिवीजन के नोट्स बने हुए हैं तो इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि इतना कंटेंट कौन देखेगा, लास्ट डे इतना कंटेंट कैसे होगा। हम सिर्फ वो ही कंटेंट पढ़ेंगे जो हमको कंटेंट पढ़ने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्टर की सीरीज का पहला वीडियो। सबसे पहले नीड ऑफ डायरेक्टर, कि डायरेक्टर की नीड क्यों है। तो सिंपल सी बात है कि कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है। सिंस एक कंपनी लीगल पर्सन है तो कंपनी जो है वो इनविजिबल है, एंड इट नीड सम ह्यूमन एजेंसीज टू वर्क। कंपनी के पास खुद का माइंड और खुद की बॉडी तो है नहीं, तो उस केस में क्या लगता है कि कंपनी को सम ह्यूमन एजेंसीज की नीड है, ताकि वो कंपनी के बिहाफ पे वर्क करे। एंड सिंस टू ह्यूमन एजेंसीज आती है थ्रू विच अ कंपनी एक्ट, जो होते हैं मेंबर्स और होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सो डिसीजन मेकिंग तो ये टू ह्यूमन एजेंसीज ही करती है, ये जो दो ह्यूमन एजेंसीज है, इन अदर वर्ड्स डिसीजन मेकिंग पावर्स जो है कंपनी की, वो इन टू ऑर्गन्स को ही वेस्टेड है, मेंबर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब बोर्ड क्या है, बोर्ड इज द मैनेजरियल बॉडी टू हुम इज इंटरेस्टेड द होल ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो बोर्ड एक मैनेजरियल बॉडी है, ठीक है, एंड इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मेंबर। तो बोर्ड एक मैनेजरियल बॉडी है, मैनेजरियल बॉडी का मतलब यह है जो कंपनी का मैनेजमेंट करती है और इसको ही मेंबर ने कॉन्स्टिट्यूट करा है। सो डायरेक्टर्स आर अकाउंटेबल टू द मेंबर इन एज मच एज मेंबर आर एम्पावर्ड टू अपॉइंट देम एंड रिमूव देम, एंड डायरेक्टर ओवर ड्यूटी टू द मेंबर। अब डायरेक्टर जो वर्क करता है वो फिड्यूशरी कैपेसिटी में करता है, उसकी एक ड्यूटी रहती है टुवर्ड्स मेंबर कि उसे जो है ड्यू स्किल एंड केयर जो है अप्लाई करना है वाइल डिस्चार्जिंग फंक्शन। फिर बात आती है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, रहते हैं टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, क्योंकि मेंबर जरूरी नहीं है कि वो क्वालिफाइड हो, मेंबर तो कोई भी हो सकता है, पर जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जब डायरेक्टर की मीटिंग होती है, जब डायरेक्टर्स होते हैं, वो डायरेक्टर क्वालिफाइड होना जरूरी है ताकि वो कंपनी को प्रॉपरली मैनेज कर सके, हैंस ओनरशिप को मैनेजमेंट से सेपरेट करना जरूरी है। एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट भी है ही कि डायरेक्टर्स आपको अपॉइंट करने के। अब डायरेक्टर के हम अगर मीनिंग में जाए अब डायरेक्टर के हम अगर मीनिंग में जाए तो टू द बोर्ड रही बात, क्योंकि ये डेफिनेशन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन कैसे हो गई, क्योंकि इसमें मींस करके पोर्शन इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है,
कि इट मीन्स डैट डायरेक्टर अ पर्सन शैल बी रिगार्ड एज डायरेक्टर ओनली इफ ही इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर. अगर वो अपॉइंटेड है एज अ डायरेक्टर तो डायरेक्टर है. तो क्या लिखा हुआ है कि पर्सन ऑक्यूपाइज द पोजिशन ऑफ डायरेक्टर दैट इज ही फंक्शन एज अ डायरेक्टर बट इज नॉट डेजिग्नेटेड एज डायरेक्टर शैल नॉट बी रिगार्ड एज डायरेक्टर. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्या बोल के रखा है कि आप अपॉइंट एज अ डायरेक्टर हो तो ही आप डायरेक्टर माने जाओगे. तो आपको रिगार्ड एक डायरेक्टर का तभी दिया जाएगा जब आप अपॉइंट एज अ डायरेक्टर हो. अपॉइंट एज अ डायरेक्टर मतलब कि यू ऑक्यूपाइड द पोजिशन ऑफ डायरेक्टर. बट जो ये है अगर आप फंक्शन कर रहे हो एज अ डायरेक्टर, अगर आप डायरेक्टर जैसे फंक्शन कर रहे हो तो नहीं माना जाएगा कि आप डायरेक्टर हो. बट इज़ नॉट डेजिग्नेटेड एज डायरेक्टर शैल नॉट बी रिगार्डेड एज डायरेक्टर. कि आपके पास पोजिशन है, क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास पोजीशन है डायरेक्टर की बट आप डेजिग्नेटेड नहीं हो, आपके पास पोजीशन है बट आप डेजिग्नेटेड नहीं हो, आपने ऑक्यूपाई करके रखी है पोजीशन. पोजीशन ऑक्यूपाई करने का मतलब है कि आप डायरेक्टर जैसे काम कर रहे हो बट आपके पास डेजिग्नेशन नहीं है एज अ डायरेक्टर, तो आपको डायरेक्टर नहीं माना जाएगा. मीन्स डायरेक्टर इज अ डेजिग्नेशन नॉट अ पोजीशन. तो इसी तरीके से हमने समझा है कि जो डायरेक्टर होते हैं डायरेक्टर इज अ डेजिग्नेशन बट नॉट अ पोजीशन. फिर यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की डेफिनेशन आई है, ठीक है उसको देखने की जरूरत नहीं है. एंड देन बोर्ड हैज़ द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द कंपनी. तो हमको ही पता है कि बोर्ड के पास मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द कंपनी है. फंक्शंस ऑफ द बोर्ड इसको देखने की जरूरत नहीं है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड एंड डायरेक्टर्स आर सिनोनिम एंड डायरेक्टर कैन एक्सरसाइज पावर ओनली व्हेन दे एक्ट कलेक्टिवली. इसको देखने लायक चीज़ है. क्या बोलना चाह रहे हैं कि डायरेक्टर जो है पावर्स एक्सरसाइज तभी कर सकते हैं जब कलेक्टिवली एक्ट हो. मींस बोर्ड के पास जो पर्टिकुलर पावर्स है तो जो बोर्ड की पावर्स है वो एक्सरसाइजेबल बाय डायरेक्टर तभी होंगे जब वो कलेक्टिवली वर्क कर रहे हो. मींस एक इंडिविजुअल डायरेक्टर वो कंपनी के बिहाफ पे एक्ट नहीं कर सकता. बोर्ड के पास कुछ पावर्स है, वो पावर्स एक्ट तभी होंगे, वो एक्सरसाइजेबल तभी होंगे, जब डायरेक्टर कलेक्टिवली ही एक्ट कर रहे हो. एक इंडिविजुअल डायरेक्टर हैज़ नो अथॉरिटी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी अनलेस ही इज सो ऑथराइज बाय द एक्ट आर्टिकल और रिजोल्यूशन. मीन्स ये बोला जा रहा है कि एक इंडिविजुअल डायरेक्टर के कहने पे काम नहीं हो सकता अनटिल इट इज सेड बाय एक्ट आर्टिकल्स और रिजोल्यूशन. अनलेस एंड अनटिल इनके थ्रू अप्रूवल नहीं है तो यू आप नहीं कर सकते. अनलेस एंड अनटिल इसके थ्रू अप्रूवल नहीं हो तो. सो मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. अब हम बात कर रहे हैं मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होते हैं, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होते हैं वो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में होते हैं. इसको इनसाइड डायरेक्टर भी बोला जाता है. होल टाइम डायरेक्टर होते हैं. मैनेजिंग डायरेक्टर जो होते हैं वो इस डायरेक्टर की कैपेसिटी में कवर्ड है, इस डायरेक्टर की कैटेगरी में कवर्ड है. इनके पास इन डेप्थ नॉलेज होता है, पर इन डेप्थ नॉलेज इनके पास कंपनी अफेयर्स का होता है. राइट, इन डेप्थ नॉलेज तो होता है बट किसका होता है, अफेयर्स ऑफ द कंपनी का. दे जनरली कनेक्टेड विद द पॉलिसी फॉर्मुलेशन. ये कंपनी की पॉलिसीज बनाते हैं. इनका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है. तो उनका रेम्यूनरेशन डिपेंड ऑन द सक्सेसफुल ऑपरेशन होता है. तो ये जो है कंपनी के अंदर इनका एक्टिव इंटरेस्ट होता है. ये एम्प्लॉयमेंट में रहते हैं, इनसाइड डायरेक्टर रहते हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में इनका बहुत रोल रहता है, और इनका कंपनी की सक्सेस पे इनका रेम्यूनरेशन डिपेंड होता है, और इनका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट रहता है. रही बात आती है जब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की, तो डायरेक्टर जो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, तो डायरेक्टर हुआ नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं. इनको पार्ट टाइम बोला जाता है. ये फुल टाइम नहीं होते, पार्ट टाइम होते हैं. अब इसमें प्रोफेशनल डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर भी इंक्लूड है. इनके पास डाइवर्स एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड होता है. सिंस अपन ने उधर बात करी थी कि इसके पहले कि इनके पास इन डेप्थ नॉलेज होता है ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, इसमें बोल रहे हैं कि डाइवर्स एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड होता है. इनकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है, वाइडर नॉलेज एंड इनका पर्सपेक्टिव वाइड होता है.
दे आर अपॉइंटेड नॉट टू वर्क फुल टाइम. ये फुल टाइम वर्क नहीं करते अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस. दे आर नॉट कनेक्टेड इधर, ये कनेक्टेड भी नहीं है कंपनी से एक्सेप्ट थ्रू अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग. दे हैव एन अनबायस्ड एटीट्यूड. तो पूरा का पूरा जस्ट उल्टा है. तो अगर हम बात करें कि अगर हम कुछ ट्रेट्स निकालें इसके, तो हम देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट उसमें होता है, एग्जीक्यूटिव में एम्प्लॉयड रहते हैं, ये एम्प्लॉयड नहीं रहते, ये इनसाइड डायरेक्टर है, दूसरा आउटसाइड डायरेक्टर है. पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ये इन्वॉल्व होते हैं पर वो इन्वॉल्व नहीं होते. फिर ये है पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, एग्जीक्यूटिव होता है पर्सनल इन्वॉल्व, नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं होता. एटीट्यूड, इसका थोड़ा सा बायस होता है टुवर्ड्स द कंपनी बट नॉन एग्जीक्यूटिव का बायस नहीं होता. एक्सपीरियंस, इन डेप्थ नॉलेज होता है कंपनी के अफेयर्स का बट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को वाइडर एक्सपीरियंस और बैकग्राउंड होता है बट इनको जो है नॉलेज अफेयर्स ऑफ द कंपनी का नहीं होता है. ये हमने पढ़ा एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बीच में डिफरेंस. फिर एक और पॉइंट आता है पर्सपेक्टिव का. जो पर्सपेक्टिव है एग्जीक्यूटिव का थोड़ा सा नैरो रहता है पर जो है वाइड रहता है नॉन एग्जीक्यूटिव का. फिर पर्सनल इन्वॉल्वमेंट जैसे हमने पढ़ा, वैसे एक्टिव इंटरेस्ट पढ़ा. एक्टिव इंटरेस्ट जो है इन दी कंपनी वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का रहता है पर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नहीं रहता है. फिर बात आती है इंटीमिडिएटली कनेक्टेड. तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंटीमिडिएटली कनेक्टेड होते हैं पर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो पर्टिकुलरली कनेक्टेड नहीं होते. तो इस तरीके से जो है हमने अंडरस्टैंडिंग ली है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में क्या डिफरेंस होता है. अब तो भैया अब से तो सेक्शन स्टार्ट हुआ है. अब इसके पहले हमने जो पढ़ा था पहले 10 मिनट में जो भी हमने पढ़ा है ये पढ़ा है हमने बेसिक्स. अब पढ़ रहे हैं हम सेक्शंस. तो सेक्शन में समझने वाली बात यह है कि सिर्फ ये जो अगर बात करें सेक्शन 149, तो सेक्शन 149 टॉक्स अबाउट ओनली इंडिविजुअल टू बी ए डायरेक्टर. डायरेक्टर सिर्फ इंडिविजुअल ही होगा, डायरेक्टर सिर्फ इंडिविजुअल ही होता है. और फिर सेक्शन 166 बोलता है कि नो प्रोहिबिशन ऑफ असाइनमेंट ऑफ ऑफिस. मीन्स क्या बोलना चाह रहे हैं कि डायरेक्टर इंडिविजुअल होगा और डायरेक्टर अपने ऑफिस को असाइन नहीं कर सकता. मतलब कि डायरेक्टर के पास ऑफिस है और वो असाइन कर रहा है तो नो डायरेक्टर शैल असाइन हिज ऑफिस. वो असाइन नहीं कर सकता और अगर डायरेक्टर ने असाइन कर दिया तो कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा और कॉन्ट्रावेंशन हो गया तो 1,00,000 मिनिमम पेनल्टी है और 5,00,000 मैक्सिमम पेनल्टी है. तो पहली पेनल्टी जो हमने इधर देखी जाए तो हमको पेनल्टी दिख गई है इधर, पेनल्टी फॉर असाइनमेंट ऑफ ऑफिस. और पेनल्टी फॉर असाइनमेंट ऑफ ऑफिस क्या है, 1,00,000 to 5,00,000. ठीक है, तो असाइनमेंट में हमको ये समझना जरूरी है कि डायरेक्टर होना चाहिए, डायरेक्टर के पास ऑफिस होना चाहिए वैलिड और उस वैलिड ऑफिस का असाइनमेंट हुआ है. ठीक है, तो उस वैलिड ऑफिस का पर्टिकुलरली असाइनमेंट हुआ है. ओके, अब इस पर हम बढ़ते क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस से पूछे जा रहे हैं. एक्स वाज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर. एक्स जो है वो डायरेक्टर जैसे अपॉइंट हुआ है फॉर लाइफ, डायरेक्टर फॉर लाइफ अपॉइंट हुआ है बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट कंपनी. तो प्राइवेट कंपनी तो अपॉइंट कर सकती है डायरेक्टर फॉर लाइफ. अब ये 1 जून को इनकॉर्पोरेट हुई थी. अब आर्टिकल ने क्या एम्पावर कर दिया, आर्टिकल ने एम्पावर कर दिया कि एक्स जो है अपॉइंट कर सकता है, एक्स जो है सॉरी एक्स जो है अपॉइंट कर सकता है सक्सेसर. अब एक्स अपॉइंट बाय विल जी टू सक्सीड हिम आफ्टर डेथ. क्या जी एक्स को सक्सीड कर सकता है जब एक्स मर गया हो. तो देखो क्या बोल गया, क्या बोल के रखा है कि एक्स टू अपॉइंट अ सक्सेसर. तो एक्स अपॉइंटेड अ सक्सेसर, तो जी सक्सीड एक्स एज डायरेक्टर आफ्टर डेथ ऑफ एक्स.
तो सिंपल सी बात है, जब एक्स रहेगा तो जीते जी जो है जी तो नहीं बन पाएगा डायरेक्टर, बट जब एक्स मर गया तो जी बन सकता है। सक्सेसर का काम तो यही होता है। हमको ये समझना पड़ेगा कि देखो एक्स मर गया है तो मतलब कि डायरेक्टर का ऑफिस अब हेल्ड ही नहीं है एक्स के पास। अब एक्स मर गया है मतलब डायरेक्टर का ऑफिस अब एक्स के पास नहीं है, अब जी अपॉइंट हुआ है तो इसको असाइनमेंट थोड़ी ना बोलेंगे। असाइनमेंट कब होता है? असाइनमेंट कब होता है? जब उसके पास ऑफिस हो और उसने असाइन किया हो तो वो इनवैलिड है। अब एक्स मर गया है तो मतलब एक्स के पास तो ऑफिस नहीं है। अब सिंस एक्स के पास ऑफिस नहीं है और जी ने उसको सक्सीड करा है तो ये असाइनमेंट में काउंट नहीं होता है। सिंस ये असाइनमेंट में काउंट नहीं होता है इसलिए ये वैलिड है। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए क्वेश्चन आंसर्स में, द फैक्ट ऑफ द गिवन केस आर आइडेंटिकल टू द फैक्ट डिस्कस्ड अब इन द अबव केस, अकॉर्डिंगली इट कैन बी सेड अपॉइंटमेंट ऑफ जी इज वैलिड, इसलिए अपॉइंटमेंट ऑफ जी वैलिड। इट डज नॉट अमाउंट टू असाइनमेंट ऑफ ऑफिस। तो अगर हम इसके पर्टिकुलर पॉइंट को देखें तो इन द गिवन केस द आर्टिकल ऑफ कंपनी एम्पावर्ड डायरेक्टर टू अपॉइंट अ सक्सेसर, डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय हिज विल जी टू सक्सीड हिम एज अ डायरेक्टर आफ्टर डेथ, कोर्ट ऑब्जर्व डेट। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ से, कोर्ट ऑब्जर्व डेट डायरेक्टर इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम असाइनमेंट हिज ऑफिस, डायरेक्टर इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम असाइनमेंट हिज ऑफिस। द वर्ड हिज यूज इन 166 इंडिकेट डेट प्रोहिबिशन अप्लाई ओनली। क्या जरूरी है कि प्रोहिबिशन अप्लाई ओनली, एक मिनट इसको मैं चेंज कर दूं, हाँ प्रोहिबिशंस प्रोहिबिशंस अप्लाई ओनली व्हेन ऑफिस हेल्ड बाय डायरेक्टर इज असाइन टू एनी पर्सन। तो प्रोहिबिशन तभी अप्लाई होगा जब ऑफिस इज हेल्ड बाय डायरेक्टर, और अब कोई ऑफिस हेल्ड नहीं करके रखा है डायरेक्टर ने क्योंकि डायरेक्टर का प्लेस हो गया है वेकेट। तो अब डायरेक्टर ने कोई सा ऑफिस तो हेल्ड नहीं करके रखा है। व्हेन अ डायरेक्टर डाइज द ऑफिस, व्हेन अ डायरेक्टर डाइज द ऑफिस हेल्ड बाय हिम बिकम्स वेकेट। तो जो ऑफिस उसका हेल्ड करा गया है वो वेकेट हो जाता है, एंड देयरफॉर सच ऑफिस कैन नॉट बी असाइन टू एनी अदर पर्सन। देयरफॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू पर्सन इन सच केस डज नॉट अमाउंट टू असाइनमेंट। अब ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो बहुत जेनेरिक टर्म है, तो ये ड्यूटीज हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आती है बात डिन की। अब डिन की अगर देखा जाए प्रोसीजर, तो ये प्रोसीजर बहुत ही बड़ी है। जो पर्टिकुलर प्रोसीजर है ये पर्टिकुलर प्रोसीजर बहुत ही बड़ी है, तो इसमें हम पर्टिकुलर जो रूल्स है डिन के, हम पर्टिकुलर और डिन के रूल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, या हम फटाफट रूल्स को देखेंगे। तो सबसे पहले जो है डिन के जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं वो 152, 153 टू 159 दे के रखी है। और देखा जाए तो भैया प्रोविजंस के थ्रू कुछ ना कुछ बोल के रखा है डिन के बारे में, एंड प्रोविजंस के साथ जो है प्रोविजन जो एक्ट में है और प्रोविजन जो है पर्टिकुलर रूल्स में, तो एक्ट और रूल्स का मिक्सचर है और डायरेक्टर के डिन के बारे में बताया गया। तो अगर देखा जाए तो हम प्रोविजंस अगर कंटेंट इन एक्ट अगर ये देखें तो नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी अनलेस ही हैज बीन अलॉटेड द डिन। तो कोई डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होगा एज अ डायरेक्टर जब तक उसे डिन अलॉट नहीं हो, मतलब कि डिन होना जरूरी है टू बिकम अ डायरेक्टर। अब डिन के लिए हमको अप्लाई करना पड़ता है, तो अप्लीकेशन कौन देगा? इंडिविजुअल, जो डायरेक्टर जैसे अपॉइंट होना चाहता है। अब एप्लीकेशन किसको देगा? एप्लीकेशन देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब इधर रजिस्ट्रार मत बोल देना, रजिस्ट्रार मत बोल देना, तो नॉट रजिस्ट्रार में इधर लिख देता हूँ, रजिस्ट्रार मत बोल देना, रजिस्ट्रार को सिर्फ कम्युनिकेशन होते हैं। तो एप्लीकेशन जो है पर्टिकुलर ये डिन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है, तो एप्लीकेशन फॉर डिन जो है वो पर्टिकुलर फॉर्म एंड मैनर में जाएगी और फीस उसके साथ अटैच होकर चली जाएगी। अब
अलॉटमेंट ऑफ डीन। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, आपने कंपनी को, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है एप्लीकेशन दी, तो कंपनी क्या करेगी, एक महीने के अंदर अंदर डीन अलॉट करेगी। ठीक है, तो डीन शैल बी अलॉटेड विद इन वन मंथ ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। अब मोर देन वन डीन आप होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो वॉइड हो जाएगा। अब आपको इंटीमेट करना है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर अलॉट कर दिया आपको एक महीने में, तब आप इंटीमेट करोगे। इंटीमेट किसको करोगे, आप कंपनी को करोगे। ठीक है, तो इधर क्या लिखा हुआ है, इंटीमेशन कंपनी को, क्योंकि डायरेक्टर की जिम्मेदारी होती है कि कंपनी को करना और रजिस्ट्रार को करना। और जनरली जो कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशन कंपनी और का रजिस्ट्रार के बीच में होता है। तो रजिस्ट्रार तो एक तरीके से कंपनी की गर्लफ्रेंड है, तो कंपनी सारा जो है पर्टिकुलर सब इन्फॉर्म करेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक महीने के अंदर डीन अलॉट करा, एक महीने के अंदर अंदर फिर आपने जो है कंपनी को इंटीमेट करा, फिर कंपनी ने 15 दिन के अंदर अंदर जो है रजिस्ट्रार को बताया। अब कंपनी फेल, अगर कंपनी फेल हो जाती है बताना, तो फिर क्या होगा, कंपनी फेल हो गई तो फिर पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, और पनिशमेंट क्या है, कंपनी को भी पनिशमेंट है और ऑफिसर को भी पनिशमेंट है। कंपनी को तो 25,000 से 1 लाख तक की है। ठीक है, तो 25,000 से 1 लाख तक की है, पर मिनिमम 50,000, 25,000 एंड मैक्सिमम 1 लाख, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 लाख विद अ फर्दर पेनल्टी ऑफ 100 पर डे। तो क्या बोल के रखा है कि मिनिमम 25,000 विद फर्दर पेनल्टी ऑफ 100 पर डे इफ डिफॉल्ट कंटिन्यूस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 लाख। और जो ऑफिसर है हु इज इन डिफॉल्ट है, तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो है वो भी लायबल है। तो ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट है वो भी लायबल है 25,000 से 1 लाख तक के लिए। तो मिनिमम 25,000 विद फर्दर पेनल्टी ऑफ 100 पर डे इफ सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज एंड फिट विद सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 लाख। तो इस तरीके से जो है हमने पढ़ा है। अब ऑब्लिगेशन है टू इंडिकेट डीन, आपको अब डीन को इंडिकेट करना आपकी ऑब्लिगेशन है। तो डीन को इंडिकेट करना आपकी ऑब्लिगेशन है, तब हर जगह आपको डायरेक्टर या एवरी पर्सन ऑफ द कंपनी को रिटर्न इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर्स में, RIP रिटर्न इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर्स में आपको जो है जो पर्टिकुलर्स है इसमें आपको डीन इंडिकेट करना पड़ेगा। अब ठीक है, ये इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। प्रोविजंस कंटेंट इन द रूल्स, अब इसमें डेफिनेशन ऑफ डीन है, रहने दो। एप्लीकेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डीन बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ बिफोर अपॉइंटमेंट इन एन एग्जिस्टिंग कंपनी, इसको भी जरूरत नहीं पड़ने की। अलॉटमेंट ऑफ डीन, अब इसमें बात करी है अलॉटमेंट ऑफ डीन। तो अलॉटमेंट ऑफ डीन तो हमने देखा ना, सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट करती है। तो अब इसमें और ब्रीफ, उस और थोड़ा सा इंटेंस लेके रखा है। तो आपने सबमिट करा फॉर्म DIR 3, आपने एक पर्टिकुलर फॉर्म मैनर में फीस के साथ जो है आपने ऑनलाइन मोड में आपने अलॉट जो है एप्लीकेशन दे दी। अब एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया, क्योंकि आपने एप्लीकेशन दी तो एप्लीकेशन नंबर बकायदा जनरेट हुआ। एप्लीकेशन उनको रिसीव हो गई और वो देख रहे हैं कि इसको अप्रूव करें कि रिजेक्ट करें। अब इसको अप्रूव करें, रिजेक्ट करें और एक महीने के अंदर अंदर इंटीमेट करना है। ठीक है, तो अलॉन्ग विद डिन एंड कम्युनिकेट द सेम टू द एप्लीकेंट, और इसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना। तो इंटीमेशन कम्युनिकेट करने का है एक महीने के अंदर अंदर। ठीक है, तो कम्युनिकेट द सेम टू द एप्लीकेंट अलॉन्ग विद डीन अलॉटेड इन केस ऑफ अप्रूवल बाय वे ऑफ लेटर, बाय पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक एनी अदर मोड विद इन 1 मंथ। अगर अप्रूवल कर रहे हो तो आपको एक महीने के अंदर अंदर डीन के साथ उसको इंटीमेट करना है। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइंड करा कि एप्लीकेशन तो डिफेक्टिव है, इनकम्प्लीट है, तो उस केस में डिफेक्ट और इनकम्प्लीटनेस भी बतानी पड़ेगी। अब डिफेक्ट और इनकम्प्लीटनेस कैसे बताओगे, जो ऑनलाइन मोड से आप भेजोगे वो तो है ही है, उसको वेबसाइट पे और ईमेल के थ्रू बताएंगे और डायरेक्ट करेंगे एप्लीकेशन एप्लीकेंट को कि भैया ये इसमें कोई डिफेक्ट है, ऐसा करो आप 15 डेज में इसको ठीक कर लो। ठीक है, अब 15 डेज में उसने ठीक करा, अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, तो रीसबमिट करना है एप्लीकेशन को, उसको ठीक करने की बात कर रहे हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा उस केस में, अब या तो वो अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा। वो रिजेक्ट कर सकता है एप्लीकेशन को और फिर डायरेक्ट कर सकता है कि आप फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करो विद कंप्लीट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। जो अगर जो उसने डिफेक्ट रेक्टिफाई करी है वो अगर अभी भी डिफेक्टिव नज़र आ रहा है, तो
सर उसको सब्सिक्वेंट मौके नहीं दिए जाएंगे, उसको बोला जाएगा कि एप्लीकेशन इनवैलिड है, ऐसा करो आप तो एक फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करो, और उस एप्लीकेशन को वो इनवैलिड ट्रीट कर देगा। तो देखो दो तरीके हैं, डिफेक्ट को ठीक करा कि नहीं करा, करा पर सेंट्रल गवर्नमेंट को, हाँ डिफेक्ट को ठीक करा कि नहीं करा, और या तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि 15 डेज में रिस्पॉन्ड करना है, तो 15 डेज में रिस्पॉन्ड करा कि नहीं करा, नहीं करा तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस एप्लीकेशन को इनवैलिड बोल देगी, पर अगर इन्फॉर्म करा है पर डिफेक्ट रेक्टिफाई हुए कि नहीं हुए, हुए तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो वो रिजेक्ट कर देगी और उस एप्लीकेशन को, और बोलेगी, डायरेक्ट करेगी डायरेक्टर को कि आप जो है फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करो। तो इन्फॉर्म द एप्लीकेंट आइदर बाय वे ऑफ लेटर, बाय पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिकली और इन एनी अदर मोड। अब इन केस रिजेक्शन इनवैलिडेशन ऑफ एप्लीकेशन, तो रिजेक्शन कब होगा? जब रिप्लाई नहीं करा। इनवैलिडेशन कब होगा? जब डिफेक्ट जो है वो प्रॉपरली रेक्टिफाइड नहीं हुए। तो फीस कुछ है वो रिफंड विफंड नहीं होने वाली, ठीक है? और ठीक है, और ये दिन है वो वैलिड फॉर द लाइफ टाइम होता है। अब इंटीमेशन ऑफ डिन बाय एग्जिस्टिंग डायरेक्टर, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कैंसलेशन, सरेंडर एंड डीएक्टिवेशन ऑफ डिन, इसको पढ़ते हैं कि कैंसलेशन, सरेंडर एंड डीएक्टिवेशन ऑफ डिन में क्या बोलना चाह रहे हैं। अब कैंसलेशन और सरेंडर और डीएक्टिवेशन ऑफ डिन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है और रीजनल डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर जो है, अपॉन बीइंग सेटिस्फाइड ऑन वेरिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर, जब वो सेटिस्फाई होते हैं ऑन द वेरिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर्स और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अटैच विद द एप्लीकेशन रिसीव अलॉन्ग विद फीस, तो वो कैंसिल कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं इन द फॉलोइंग केसेस। किस किस केसेस में जो है कैंसिल और डीएक्टिवेट कर सकते हैं? जब डायरेक्टर इज फाउंड टू बी डुप्लीकेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम पर्सन, दो बार अगर उसको डीन अलॉट हो गए, ठीक है, अगर डीन जो है रॉन्गली मैनर में ऑप्टेन करा गया है या फ्रॉडोलेंट मीन से ऑप्टेन करा गया है, डेथ हो गई, अनसाउंड माइंड हो गया, एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट हो गया, तो वे डायरेक्टर मेड इन फॉर्म DIR-5 बाय द डीन होल्डर टू सरेंडर हिज डीन। अगर DIR-5 के थ्रू डायरेक्टर ने एप्लीकेशन करी है कि अपने डीन को सरेंडर करना है अलॉन्ग विद द डिक्लेरेशन डेट ही हैज़ नेवर बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन एनी कंपनी एंड से डीन हैज़ नेवर बीन यूज फॉर फाइलिंग फॉर एनी डॉक्यूमेंट, तो वेन एन एप्लीकेशन फाइल इन फॉर्म DIR-5 बाय डीन होल्डर कि मेरे डीन को मुझे सरेंडर करना है अलॉन्ग विद द डिक्लेरेशन डेट ही हैज़ नेवर बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, कि वो डायरेक्टर जैसे अपॉइंट ही नहीं हुआ है किसी कंपनी में, उसका डीन कभी यूज़ ही नहीं हुआ है किसी डॉक्यूमेंट को फाइल करने में, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ई रिकॉर्ड को वेरीफाई करेगी और उसके बाद जो है वो सरेंडर करेगी। तो सरेंडर और कैंसलेशन की बात कर रहे हैं, तो सरेंडर मतलब क्या होता है कि अगर आपको डीन मिल गया है पर आपने अभी तक उसका डीन यूज़ ही नहीं करा है, तो डीन यूज़ नहीं करा है और किसी भी डॉक्यूमेंट में उस पर्टिकुलर डीन को है यूज़ ही नहीं करा गया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर अपने लेवल पर जो है उसको जो है वेरीफाई करेगी, फिर उसके डीन को सरेंडर कर देगी। तो हमने इसी तरह से पढ़ा कि फ्रॉडुलेंट मीन्स हो या डुप्लीकेशन हो, फ्रॉडुलेंट तरीके से मर गया हो सामने वाला, या अनसाउंड माइंड है, या एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट है, या खुद ही आगे होकर एप्लीकेशन दे रहा है, तो उस केस में जो है DIR-5 के थ्रू सरेंडर करने की अगर एप्लीकेशन दे रहा है, तो इस केस में जो है डीन को सरेंडर करा जा सकता है। अब ये तो सरेंडर की बात हो गई, अब ये है इंपॉर्टेंट कि इंटीमेशन ऑफ चेंजेस इन पर्टिकुलर स्पेसिफाइड इन डीन एप्लीकेशन। तो क्या बोल के रखा है कि इंटीमेशन ऑफ चेंजेस इन पर्टिकुलर स्पेसिफाइड इन डीन एप्लीकेशन। डीन एप्लीकेशन में अगर कुछ चेंजेस करने हैं, तो जो पर्टिकुलर्स है जो स्पेसिफाई कर रखे हैं डीन एप्लीकेशन में, अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो पर्टिकुलर्स में कुछ चेंजेस करने हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको इंटीमेट करना पड़ता है 30 दिन के अंदर अंदर DIR-6 के थ्रू कि भैया देखो DIR-3 के थ्रू जो मैंने एप्लीकेशन करी ना उसमें मेरे को ना चेंज करना है, कुछ चेंज करना है उसको, तो जब सच चेंज ऑकर हुए उसके 30 दिन में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है। नेमली एप्लीकेंट शैल डाउनलोड और ये सब दे के रखा है, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप को सेटिस्फाई करेगी आफ्टर वेरीफिकेशन ऑफ सच चेंज पर्टिकुलर, सेटिस्फाई करेगी, वेरीफाई करेगी, देन जो है इनकॉर्पोरेट करेगी सेड चेंजेस को। अब इनकॉर्पोरेट करने के बाद जो डिन सेल है मिनिस्ट्री का, वो रजिस्ट्रार को बताएगी
तो क्या बोल के रखा है कि डिन सेल ऑफ द मिनिस्ट्री शेर ऑल्सो इंटीमेट द चेंजेस इन द पर्टिकुलर ऑफ द डायरेक्टर सबमिटेड टू इट इन फॉर्म DIR 6, क्योंकि DIR 6 के थ्रू हम चेंजेस को बताया जाता है टू द कंसर्न रजिस्ट्रार अंडर हुज ज्यूरिसडिक्शन द रीजनल ऑफिस ऑफ द कंपनी और कंपनीज इन विच एन इंडिविजुअल और इज अ डायरेक्टर इज सिचुएटेड. ठीक है, तो कंसर्न रजिस्ट्रार को बताया जाता है अंडर हुज ज्यूरिसडिक्शन रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी और कंपनीज इज सिचुएटेड. अब जो कंसर्न इंडिविजुअल है वो भी अपने जो है चेंजेस वो बताता है 15 दिन के अंदर अंदर कंपनी को. तो क्या बोल के रखा है, चेंज अगर हुआ 30 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट वेरीफाई करेगी, ई रिकॉर्ड्स को चेक करेगी, इनकॉर्पोरेट कर देगी चेंजेस को, रजिस्ट्रार को बता देगी. अब रजिस्ट्रार को बता देगी बट टाइम लिमिट इज नॉट स्पेसिफाइड हियर. देखो वैसे भी कंपनी जो है वो ही रजिस्ट्रार को बताती है, अभी सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट भी बता रही है. तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट बता रही है तो इसमें टाइम लिमिट नहीं देकर रखा है. फिर जो पर्सन है डायरेक्टर है वो भी इनकॉर्पोरेट जो भी करा है चेंजेस को वो 15 दिन में कंपनी को बताता है. अब इस केस में कंपनी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म नहीं कर रही, अगर देखा जाए तो यू जनरली कंपनी हर एक चीज़ रजिस्ट्रार को बता रही है, बट इधर कंपनी इज नॉट इन्फॉर्मिंग टू रजिस्ट्रार. तो कंपनी इज नॉट इन्फॉर्मिंग टू रजिस्ट्रार फॉर चेंजेस इन डिन. अब DIR की KYC है, तो DIR की KYC जो है इसमें कुछ अमेंडमेंट होकर रखा है, उसमें 30 सितंबर आ गया है. तो हम बात करें अगर डायरेक्टर की KYC की, तो बोला ही जाता है कि एवरी इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल को जो अपना डिन होल्ड करता है, तो एवरी इंडिविजुअल जो अपना डिन होल्ड करता है एज एट 31st March, ठीक है, उसको सबमिट करना पड़ता है ई फॉर्म के थ्रू DIR 3 KYC फॉर द सेड फाइनेंशियल ईयर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन और बिफोर 30 सितंबर ऑफ इमीडिएटली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. तो जो पर्सन है जो डिन होल्ड कर रहा है एज एट 31 मार्च, तो उसको ई फॉर्म क्या है, DIR 3 KYC, उसके थ्रू उसको बताना पड़ता है फॉर द सेड फाइनेंशियल ईयर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन और बिफोर 30 सितंबर. तो ऑन और बिफोर 30 सितंबर को उसको बताना पड़ता है, उसको KYC सबमिट करना पड़ता है. ठीक है, अब इधर डायरेक्टर हु होल्ड डिन एज एट 31 मार्च 2018, इधर से पर्टिकुलर 2018 की बात करें कि अगर वो 31 मार्च 2018 को होल्ड करता है तो उसको भी ई फॉर्म सबमिट करना है DIR 3 KYC. पर इधर इस केस में बोल कर रखा था कि उसको फिर जो है उसको 30 सितंबर को नहीं करना है, वो 5 अक्टूबर तक सबमिट कर सकता है. तो 5 दिन इसकी डेट बढ़ गई थी. और 31 मार्च 2019 को अगर होल्ड करता है तो यू तो 30 सितंबर है, पर इधर 14 अक्टूबर हो गया था, तो 5 अक्टूबर था 14 अक्टूबर था, मतलब सितंबर से डेट आगे बढ़ गई थी. इफ़ एन इंडिविजुअल हैज़ ऑलरेडी सबमिटेड ई फॉर्म, अगर इंडिविजुअल ने पहले ही सबमिट करके रखा है ई फॉर्म DIR 3 KYC इन रिलेशन टू एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, देन इट शैल बी डीम्ड टू हैव सफिशियंट कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ 12A. इफ सच इंडिविजुअल सबमिट वेब फॉर्म, अब जिसने ऑलरेडी सबमिट करके रखा है ई फॉर्म DIR 3 KYC का, तो वो डीम टू बी सफिशिएंट कंप्लायंस हो जाएगा अगर वो इंडिविजुअल है वो सबमिट करता है वेब फॉर्म DIR 3 KYC वेब थ्रू वेब सर्विस. तो उस केस में जो है इंडिविजुअल सबमिट करते हैं वेब फॉर्म इन DIR 3 KYC वेब थ्रू द वेब सर्विस इन रिलेशन टू एनी सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर. अब इन केस इंडिविजुअल डिजायर टू अपडेट हिज पर्सनल मोबाइल नंबर, अगर इंडिविजुअल डिजायर टू अपडेट हिज पर्सनल मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ही शैल अपडेट बाय सबमिटिंग ई फॉर्म DIR 3 KYC ओनली. तो अगर उसको पर्सनल मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को अपडेट करना है तो वो ई फॉर्म DIR 3 KYC को जो है वो सबमिट करते हैं. फॉर सबमिटिंग ई फॉर्म DIR 3 KYC और वेब फॉर्म DIR 3 KYC वेब थ्रू वेब सर्विस, फीस जो है कुछ पेबल होती है, वो फीस आपको पे करनी पड़ेगी. अब कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉल्ट इन फाइलिंग ई फॉर्म DIR 3 KYC, तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि इंडिविजुअल डिन होल्ड करता है 31 मार्च को ई फॉर्म सबमिट करते 30 सितंबर को, पर 31 मार्च 2018 को होल्ड कर रहा है
तो फिर वो है 31 मार्च 2018 को होल्ड करा है, तो 5 अक्टूबर को इसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा 5 अक्टूबर तक। 31 मार्च 2019 को होल्ड करा है तो उसे 14 अक्टूबर 2019 तक ये सब चीज़ें इन्फॉर्म करनी पड़ेगी। अब इंडिविजुअल जिसने ऑलरेडी सबमिट कर रखा है DIH3 KYC, तो जिसने ऑलरेडी सबमिट करके रखा है DIH3 KYC, ठीक है, ई फॉर्म ऑलरेडी सबमिट कर रखा है, तो उस केस में जो है उसको वेब फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। अब सिंस उसको वेब फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा तो DIH3 KYC वेब सबमिट कर दे। उसको पर्सनल मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को अगर चेंज करना है तो DIH3 KYC के थ्रू चेंज हो जाएगा और फीस इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है। अगर आपने डिफॉल्ट करा इन फाइलिंग DIH3 KYC, तो अगर आपने इंटीमेट नहीं करे पर्टिकुलर्स को, तो आपका डिन डीएक्टिवेट हो जाएगा। द डीएक्टिवेटेड डिन वो रीएक्टिवेट तब होगा जब आप ई फॉर्म या वेब फॉर्म जो है आप सबमिट करोगे, ठीक है। अब वेब फॉर्म की बात कब आती है? वेब फॉर्म की बात तभी आती है जब इंडिविजुअल ऑलरेडी सबमिटेड ई फॉर्म DIH3 इन रिलेशन टू एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो कभी उसने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो है DIH3 KYC सबमिट करा था, तो मान लिया जाएगा कि सफिशिएंट कंप्लायंस है। और उस केस में अगर मान लिया जाएगा सफिशिएंट कंप्लायंस है, अगर वो इंडिविजुअल जो अगर सबमिट कर रहा है वेब फॉर्म DIH3 KYC वेब थ्रू वेब सर्विस, तो क्या बोला जाता है कि जो फर्स्ट टाइम होल्ड कर रहे हैं उनको तो KYC फॉर्म भरना है, DIH3 KYC ई फॉर्म भरना है। बट जो उसके पहले ई फॉर्म भर चुका है उस केस में अब वो सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए वो वेब फॉर्म भरे तो भी चलेगा। ई फॉर्म तो भर ही सकता है, पर अगर वो वेब फॉर्म भी अगर भरे तो चलेगा। अब क्या बोल कर रखा है कि रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग ई फॉर्म एक्टिव। अब ये ई फॉर्म एक्टिव क्या है? तो इस कंपनी गवर्न बाय द रूल 25A ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स फेल्स टू फाइल द ई फॉर्म एक्टिव टिल, इधर कंपनी की बात करें कि इधर जो कंपनी है, कंपनी को ई फॉर्म एक्टिव फाइल करना पड़ता है 3/15/2019, देन डीन ऑफ ऑल द डायरेक्टर ऑफ सच कंपनी शैल बी मार्क्ड एज डीन ऑफ एक्टिव डायरेक्टर ऑफ एक्टिव नॉन कंप्लायंट कंपनी। तो उस केस में ये जो डीन है सारे डायरेक्टर के, वो बोल सकते हैं कि डायरेक्टर ऑफ एक्टिव नॉन कंप्लायंट कंपनी, तो बोला जाएगा दिन सारे मार्क्ड हो जाएंगे, बोला जाएगा कि जो डायरेक्टर से ये डायरेक्टर है ऑफ एक्टिव नॉन कंप्लायंट कंपनी। वेयर द डीन ऑफ अ डायरेक्टर हैज बीन मार्क्ड एज डायरेक्टर ऑफ एक्टिव नॉन कंप्लायंट कंपनी, डायरेक्टर नेसेसरी स्टेप लेगा टू इंश्योर डेट ऑल कंपनी गवर्न बाय द रूल 25A ऑफ द कंपनी रूल्स इन विच सच डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर टू फाइल ई फॉर्म एक्टिव। तो उस केस में आपको ई फॉर्म एक्टिव फाइल करना पड़ेगा आफ्टर ऑल द कंपनीज इन विच डायरेक्टर इन विच सच डायरेक्टर शैल फाइल फॉर्म ई फॉर्म एक्टिव, द डीन ऑफ सच डायरेक्टर शैल बी मार्क्ड एज डायरेक्टर ऑफ एक्टिव कंप्लायंट कंपनी। ठीक है, आपने फाइल कर दिया तो डायरेक्टर ऑफ एक्टिव कंप्लायंट कंपनी हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमने डीन के पर्टिकुलर जो है क्वेश्चन हमने प्रोविजन डीन के पर्टिकुलर प्रोविजन हमने पढ़े। अगर देखा जाए तो इस पर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कुछ इस तरीके से। अब इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा है या एक दो क्वेश्चन की बात करी है, हम एक बार देखते क्या पूछ रहे हैं। विनय कुमार है, अप्लाई कर रहा है फर्स्ट टाइम डीन के लिए 1 नवंबर 2016 को, तो DIH3 की तो बात होगी क्योंकि अप्लाई कर रहा है। तो इधर देखो DIH3 की तो बात हुई क्योंकि फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा है। एज ही इज प्लानिंग टू इनकॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी थी। अब द स्टेटस ऑफ हिज डीन एप्लीकेशन इज शोइंग एज पुट अंडर रीसबमिशन, ही सीक योर गाइडेंस वेदर हीज एक्सेप्ट हिज एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड क्या है एंड इज ही रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन फ्रेश डीन। तो देखो इधर बोल के रखा है कि स्टेटस जो है उसका डीन का बोल के रखा है पुट अंडर रीसबमिशन, एंड पुट अंडर रीसबमिशन मतलब कि उसको रिजेक्ट थोड़ी ना कराए। इधर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है कि आप रीसबमिट करो फर्दर पर्टिकुलर्स के साथ, ठीक है, तो इसको रिजेक्ट तो नहीं मानेंगे। तो अब हम अगर इसके पर्टिकुलर हम क्वेश्चन में जाएं, इसके आंसर देखें, तो क्या बोल के रखा है कि डायरेक्टर DIH3 के जो थ्रू है जो डायरेक्टर अप्लाई करता है सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट करता है 1 महीने के अंदर अंदर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि जो एप्लीकेशन है वो इनकम्प्लीट है, डिफेक्टिव है, तो वो तो डिफेक्ट को इंटीमेट तो करेगा ना, इंटीमेशन देगा। वो किसके थ्रू देगा? वो ईमेल के थ्रू देगा इंटीमेशन देगा, वो ईमेल के थ्रू देगा या वेबसाइट के थ्रू देगा इंटीमेशन देगा, उसको बोलेगा कि 15 डेज में जो है इसको ठीक कर। फिर सेंट्रल जब उसको ठीक करता है तो सिंपल सी बात है वो रिप्लाई करेगा कि नहीं करेगा। अगर रिप्लाई नहीं करा तो फिर तो ट्रीट कर देंगे उसकी एप्लीकेशन को इनवैलिड।
पर अगर उसको ठीक करता है, अगर वो रिप्लाई करता है और रिप्लाई करने के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट रिजेक्ट कर सकती है अगर उसे लगा कि जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो रेक्टिफाइड पार्शली हुई है और इन्फॉर्मेशन अभी भी डिफेक्टिव है, तो उसको उस केस में जो है रिजेक्ट कर देगी एप्लीकेशन को, उसको डायरेक्ट करेगी कि भैया तू ऐसा कर कि एक फ्रेश एप्लीकेशन फाइल कर दे। और इनवैलिड तब बोलेंगे जब डिफेक्ट की बातें जो है, डिफेक्ट को रीजनेबल टाइम पर रिमूव ही नहीं किया गया या इसका रिप्लाई ही नहीं दिया गया 15 डेज के अंदर अंदर। इस केस में फिर इन्फॉर्म द एप्लीकेंट आइदर बाय वे ऑफ लेटर ऑफ पोस्ट, ठीक है। अब MCA ने एक FAQ जारी किया था कि माय डीन एप्लीकेशन हैज़ बीन पुट अंडर रीसबमिशन। तो पुट अंडर रीसबमिशन है, इसका मतलब ये है कि रिजेक्ट नहीं करा है आपको, यू कैन सबमिट द एडिशनल डॉक्यूमेंट। तो आपको 15 दिन के अंदर एडिशनल डॉक्यूमेंट फर्निश करना है, ठीक है। तो डिफेक्ट होता है तो पुट अंडर रीसबमिशन में जाता है और आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट फर्निश करने पड़ रहे हैं। अब एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या फर्निश करने पड़ रहे हैं, अगर देखा जाए तो एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या फर्निश करने पड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके रेसिडेंस, आपका रेसिडेंस तो उसका बता दो, अपनी आइडेंटिटी के साथ अपना डेट ऑफ बर्थ, रेसिडेंस की बात कर ली, कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो सकता है कि आपने प्रॉपरली अटैच नहीं करे हो तो वो अटेस्ट करवा लो, अटेस्ट नहीं करवाए गए हो तो उसको अटेस्ट करवा लो, या आपने हो सकता है कि आपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट नहीं कराया हो, आपने एफिडेविट फर्निश नहीं किया हो तो अटेस्टेशन करवा लो, एफिडेविट अगर आपने फर्निश नहीं किया है तो एफिडेविट फर्निश कर दो, अपना आइडेंटिटी, अपना रेसिडेंस प्लेस की आइडेंटिटी, अपना रेसिडेंस प्लेस और जो है अपना डेट ऑफ बर्थ, इन सब की बात कर रहे हैं, निमोनिक बना लिया आदि। आदि क्या बोलना चाह रहा है, ऐसे है अटेस्टेशन करा लो, ऐसे एफिडेविट फर्निश कर लो, ठीक है, अटेस्टेशन करा लो, एफिडेविट फर्निश कर लो, जो है फिर है डेट ऑफ बर्थ नॉट इंक्लोज है उसको इंक्लोज कर दो, आइडेंटिटी बता दो, अपनी रेसिडेंस प्लेस का प्रूफ बता दो। अब ऑन रीसबमिटिंग द एडिशनल डॉक्यूमेंट, जब आप एडिशनल डॉक्यूमेंट को रीसबमिट करते हो, डीन को अप्रूव कर लिया जाएगा अगर डॉक्यूमेंट करेक्ट ऑर्डर में फाउंड होकर, तो दस बेस्ड ऑन द अबव FAQ एंड द आंसर इन रूल 10 इट कैन बी कंक्लूडेड दैट एप्लीकेशन फॉर द डीन मेड बाय मिस्टर विनय कुमार हैज़ नॉट बीन रिजेक्टेड, उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा एंड ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू ऑप्टेन अ फ्रेश डीन, उसको फ्रेश डीन ऑप्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब इसके डीन को तो रिजेक्ट ही नहीं करा है, ही इज़ रिक्वायर्ड टू रेक्टिफाई, उसको रेक्टिफाई करो 15 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। अब आती बात सम चेंजेस इन द पर्टिकुलर, देखो चेंजेस की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर में, तो DIR 6 की बात हो जाएगी, तो सम चेंजेस इन द पर्टिकुलर हु हैव ऑलरेडी ऑब्टेन डिन हैज बीन टेकन प्लेस। अब डायरेक्टर को चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने हैं, प्रोसीजर क्या है, तो अगर इस केस में क्या प्रोसीजर है अगर देखा जाए तो प्रोसीजर तो सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी प्रोसीजर है इसकी, क्या प्रोसीजर है कि जो जब डायरेक्टर को उसको लग रहा है कि चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने हैं, ठीक है, तो सच चेंज के 30 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को DIR 6 के थ्रू अप्लाई कर दे। अब उसका पर्टिकुलर डाउनलोड करना, ये सब चीज़ें देख के रखी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट उसका सेटिस्फेक्शन लेगा, ठीक है, अब सेटिस्फेक्शन लेगा और सेटिस्फेक्शन लेने के बाद वो इनकॉर्पोरेट करेगा चेंजेस को और वो पर्सन को बताएगा और रजिस्ट्रार को बताएगा डिन सेल ऑफ द मिनिस्ट्री, ठीक है, वर्ड तो अच्छा यूज़ किया है इन्होंने, डिन सेल ऑफ मिनिस्ट्री, तो ये भी जो है इन्फॉर्म करेगी रजिस्ट्रार को, फिर जो पर्टिकुलर पर्सन है वो कंपनी को इन्फॉर्म करेगा, कंसर्न इंडिविजुअल है वो कंपनी को इन्फॉर्म करेगा 15 डेज के अंदर अंदर, पर्टिकुलर्स टू कंपनी, तो कंपनी को है जो वो पर्टिकुलर्स को इन्फॉर्म करेगा विद इन द 15 डेज, इन्फॉर्म कर दिया, ठीक है, अब इन्फॉर्म कर दिया इन्होंने कंपनी को, अब इधर ये नहीं बोल के रखा है कि कंपनी रजिस्ट्रार को कब इन्फॉर्म करेगी, तो ये सब चीज़ें इधर नहीं बता के रखी, तो ये सब चीज़ें हमको, ठीक है, ये सब चीज़ें हमको लिखने की भी नहीं है। अब कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो हमको समझना पड़ेगा जिस पे MCQs आए गए थे, जैसे कि DIR 3 एप्लीकेशन के लिए होता है, DIR 3 भी जो होता है वो इंटीमेशन टू द कंपनी होता है, DIR 6 होता है, DIR 6 होता है चेंजेस की बात करता है और DIR 5 होता है, DIR 5 सरेंडर की बात करता है, ठीक है। अब इस तरीके से हमने जो है पर्टिकुलर चीज़ों को समझ लिया है, और पुट अंडर रीसबमिशन होता है मतलब एप्लीकेशन को इनवैलिड नहीं बोला गया है, एप्लीकेशन डिफेक्टिव है, अब अपनी एप्लीकेशन को रेक्टिफाई कर लो, रीसबमिट कर लो डॉक्यूमेंट, तो उसमें आदि अपन ने पढ़ा था निमोनिक में, और आदि क्या है, डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा लो, एफिडेविट आप फर्निश कर दो,
ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आप बता दीजिए, या तो आइडेंटिटी ऑफ पर्सन, आइडेंटिटी ऑफ डायरेक्टर और आइडेंटिटी ऑफ द रेसिडेंस, प्लेस ऑफ रेसिडेंस का प्रूफ आप अटैच कर लीजिए। इन जो है वो पुट अंडर रिसबमिशन होता है। तो इस तरीके से जो है हमने डीन तक के क्वेश्चन पढ़े। अब होप सो इधर बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हमने डीन तक के सारे चीज़ें पढ़ ली है। डीन तक के जो भी सेक्शन है और सेक्शन में डीन के बारे में क्या बोला गया है, सब चीज़ों को हमने डिटेल में देख लिया है और उसके रिस्पेक्ट में जो भी क्वेश्चन आए हैं हमने वो भी देख लिया है। अब इसके बाद अब हम पढ़ेंगे क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन। अब उसका एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो होगा। आई होप सो कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ डीन का जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो आपको समझ में आया होगा, और इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ बाकायदा बताइएगा, एंड उसके थ्रू जो है फिर फर्दर उस पर एक्शन लिया जाएगा एंड उसको रिजॉल्व किया जाएगा और उसको कंसिडर किया जाएगा। थैंक यू।